धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की अगर बात सुनकर लोगों के मन में अलग ही तस्वीर बन जाती है, लेकिन सिद्धार्थनगर के एक अध्यापक सरकारी स्कूल के देखने के नजरिए को बदलना चाहते हैं। बर्नी ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में तैनात अध्यापक शिव सागर यादव बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ा रही है ताकि बच्चों में पढ़ने की रुचि जा सके, और उनका ये कहना है कि सारे सरकारी अध्यापक बच्चों को अलग शिक्षा दे जिससे सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बदल सके। साथ ही साथ उनसे उनके इस तरह से शिक्षा देने में स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है और उनका ये कदम अन्य अध्यापकों को एक अलग तरह का संदेश देता है। विमलेंदु की विशाल किरण प्रकाश तेरा बता रहा है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रहा है, प्रसार तेरी दया की कितना ये देखना हो तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है, जो तोरी हो वह दया दयानित तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। खरगोश के सिर में चिड़ियों की गमले में है सुंदर फूल, घड़ी कह जाओ अंगा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली, अंगा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब कि कुछ अच्छा किया जाए, पूरे प्रदेश में हम लोगों का नाम हो, ताकि बेसिक के टीचर की जो धारणा है, जो लोगों के प्रति नकारात्मक चीज़ें हैं उसको दूर किया जा सके और हम लोगों के प्रति एक अच्छा मतलब व्यवहार करें और अच्छे तरीके से वो धारणा बनाए कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, और प्राइवेट जो विद्यालय के जो बच्चे हैं उनसे भी बेहतर हमारे बच्चे कर सकते हैं, उसका प्रयोग बखूबी हम लोग कर रहे हैं। देखिए शिक्षण व्यवस्था में बेसिक का नाम पहले से ही लोगों ने बड़ा संकीर्ण रख रखा है, लेकिन शिव सागर जैसे अध्यापक ने जो नित्य नए नवाचार विधियों से शिक्षण दे रहे हैं जिससे बच्चों को बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और शिक्षण व्यवस्था में और उनके अधिगम के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिला है। बच्चों का मन जो है वो बहुत ज़्यादा विद्यालय के प्रवेश में लग रहा है और इससे उनके अंदर कौशल का विकास और उनके अंदर जो बौद्ध का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा उच्चतम स्तर तक प्राप्त हो गया है, जैसे नित्य की विधा से यहाँ पे कितना बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहले जब हम लोगों ने इस विद्यालय को ज्वाइन किया था तो उस वक्त संख्या में भी गिरावट थी और अधिगम स्तर भी न्यूनतम था, लेकिन आज हमारे यहाँ पे 130 बच्चों का नामांकन है जिसके सापेक्ष हमेशा 115-120 इससे ज़्यादा तक ही बच्चे आते हैं और उनका अधिगम स्तर बहुत उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। हर एक बच्चा जो है वो अपने अंदर दक्षता का निर्माण कर रहा है और सीखने की जो ललक है वो बढ़ गई है, हर एक बच्चा अपने शिक्षक से लगाव महसूस कर रहा है और जिससे हम अपने विद्यालय को, अपने प्रदेश को, अपने ब्लॉक को, अपने ज़िले को निपुण की ओर हम उसको ले जाने की ओर अग्रसर हैं।